बंधुओं, आज हम इस अध्याय में विसर्ग लोभ के विषय में विस्तार से जानेंगे। विसर्ग लोभ का पहला नियम है, ह्रस्व अ के अनंतर विसर्ग हो, किंतु विसर्ग के पश्चात अ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना है, विसर्ग लोप होने पर कोई संधि नहीं होती है। जैसे रामः जमा आगच्छति, यहां पर अ के बाद विसर्ग है, उसके बाद ह्रस्व अ से भिन्न स्वर है आ, विसर्ग का लोप कर देंगे तो बन जाएगा राम आगच्छति, इसको अलग अलग ही लिखेंगे। बालकः जमा इच्छति बालक इच्छति, संजयः जमा उवाच संजय उवाच, सूर्यः जमा उदेति सूर्य उदेति आदि। दूसरा नियम देखिए, यदि विसर्ग से पूर्व आहो और परे कोई स्वर हो या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह इन वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग लोप होने पर कोई संधि नहीं होती है। जैसे नराह जमा आगच्छन्ति, तो यहां पर आ के बाद विसर्ग है, उसके बाद आ है तो विसर्ग का लोप हो गया तो रूप बना नरा आगच्छन्ति। अश्वाह जमा इमे अश्वा इमे, भक्ताह जमा नमन्ति भक्ता नमन्ति, बालाह जमा हसन्ति बाला हसन्ति, मृगाह जमा धावन्ति मृगा धावन्ति आदि। अन्य भेद देखिए, अ ई उ के अनंतर र विद्यमान हो तथा उसके पश्चात भी र हो तो पहले र का लोप हो जाता है और र के लोप होने पर अ ई उ को दीर्घ भी हो जाता है। जैसे निर्जमा रोगः नी रोगः, पुनर्जमा रमते पुनारमते, हरिर्जमा राजते हरी राजते और निर्जमा रसम नीरसम आदि रूप बनते हैं। सह और एषः के पश्चात कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सह जमा पठति स पठति, एषः जमा विष्णुः एष विष्णुः, सह जमा गुरुः स गुरुः, एषः जमा शिष्यः एष शिष्यः आदि रूप बनते हैं। यदि सह एषः के पश्चात ह्रस्व अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो इन दोनों के विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सह जमा एति स एति, एषः जमा इच्छति एष इच्छति, सह जमा आगच्छति स आगच्छति, एषः जमा उपासकः एष उपासकः आदि। इसमें विशेष नियम जरा ध्यान देने वाली बात है, किंतु यदि सह एषः के विसर्ग से परे ह्रस्व अ हो तो विसर्ग को उ हो जाता है और अ उ मिलकर के ओ हो जाता है, तब रूप इस तरह से बनेगा। जैसे सह जमा अस्ति सोस्ति, एषः जमा अपि एषोपि और सह जमा अहम सोहम आदि रूप बनते। अगला नियम, भोः भगोः तथा अघोः के विसर्ग का भी लोप हो जाता है यदि विसर्ग से परे कोई स्वर अथवा वर्णों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तब। जैसे भोः देवाः, तो इसका रूप बनेगा भो देवाः, भगोः नमस्ते भगो नमस्ते, अघोः याहि अघो याहि आदि रूप बनते हैं। बंधुओं, अगले अध्याय में हम णत्व और षत्व विधान के विषय में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।